अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हाउ कैन इंस्टॉल विंडो 10 ऑन योर पीसी, कि विंडो 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो किसी दोस्त ने फरमाइश की थी कि दो प्लीज़ यार एक वीडियो विंडो 10 के लिए बना दें। तो ये आप देख रहे हैं कि विंडो 7 पहले मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल हुई हुई है। तो मैं विंडो 10 इंस्टॉल करने लगा हूँ, तो उसके ऊपर आज वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे विंडो 10 इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए आप लोगों के पास विंडो 10 का होना ज़रूरी है, जो इसमें आप विंडो 10 की डिस्क ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यूएसबी ड्राइव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास यूएसबी ड्राइव, बूटेबल यूएसबी ड्राइव है। तो मैं इसे कनेक्ट करके तो विंडो 10 इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूएसबी पिन यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं जैसे मैंने पिन लगाया तो किस इस तरह का आ गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे यहाँ पे क्लोज़ कर देना। उसके बाद जैसे आप लोगों ने अपनी विंडो 10 की डिस्क ड्राइव या फिर यूएसबी को कनेक्ट किया, तो आप यहाँ पे इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे इसे दोबारा ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको बूट मेन्यू में जाना है। बूट मेन्यू में जाने के लिए या तो हर पीसी पे मुख्तलिफ होता है, या तो F9 होता है या फिर F12 होता है। तो इसका बूट मेन्यू क्या है वो की क्लिक करेंगे, इसका F9 है। मैं बूट मेन्यू में जाने के लिए F9 की क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के पास इस तरह का बॉक्स शो हो रहा होगा, जिसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। अगर आप लोगों के पास डिस्क ड्राइव है तो यहाँ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव पे इंटर कर दें, वरना मैंने तो यूएसबी पिन लगाई है, तो यहाँ पे यूएसबी हार्ड के ऊपर इंटर का क्लिक करेंगे, यूएसबी हार्ड ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी की क्लिक कर देनी है, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी। उसके बाद ये विंडो 10 का आइकन आप लोगों के सामने शो हो रहा है, तो ये इसकी लोडिंग होगी। तो आप लोगों ने इसका वेट करना है, ये कितनी भी देर होगी, यहाँ पे कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो आप लोगों ने कोई भी की वगैरह कोई चीज़ क्लिक नहीं करनी है, यहाँ पे जस्ट वेट करना है। ये दोस्तों आपके कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी उसमें रैम ज़्यादा होगी तो वो फास्ट चलेगा और ये लोडिंग भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे इसमें लैपटॉप में 2 GB रैम है, जिसमें विंडो 10 इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पे, तो थोड़ी सी मज़ीद लोडिंग और होगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, वेट करना है थोड़ा। दोस्तों ये लोडिंग हो रही है अभी, आप लोगों ने थोड़ा वेट करना है, बस कंप्लीट होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी है, स्किप की तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मेरे पास जनरेशन शो हो रही है, ये किस जनरेशन का, जनरेशन 2 का है। उसके बाद दोस्तों लोडिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का आइकन शो हो रहा है,
बॉक्स शोर है। तो इसमें क्या आएगा आप लोगों को क्लोज करके बताता हूँ। ये लैंग्वेज है दोस्तों, लैंग्वेज टू इंस्टॉल, कि आप लोगों ने किस लैंग्वेज में इसे इंस्टॉल करना है। तो ये आप लोगों ने इसे डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स रहने देना है, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इसे यहाँ पे इंस्टॉल नाउ कर देना है, विंडो 10 यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। सेटअप इज स्टार्टिंग, यहाँ पे सेटअप की स्टार्टिंग की लोडिंग हो रही है। यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करेंगे। आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे इसकी बिट आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है कि कौन सी है। तो ये 64 बिट का है, तो यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद इसे नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप लोगों के पास दो बॉक्स शो हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट अपग्रेड का है तो दूसरा कस्टम का है। तो आप लोगों ने अपग्रेड पे नहीं करना है, कस्टम पे करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने ये आपकी ड्राइव्स शो हो रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों ने सिस्टम का सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्राइमरी, ये आप लोगों की, आप यहाँ से कोई भी ड्राइव डिलीट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसे फॉर्मेट करेंगे। तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, तो मैं विंडो कहाँ पे करना चाहता हूँ, सिस्टम में करना चाहता हूँ। मैं हमेशा यहाँ से ही करता हूँ कि इसके ऊपर क्लिक करूँगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आगे नेक्स्ट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो मैं इसे यहाँ पे इसे फॉर्मेट करूँगा पहले। ये मेरे पास फॉर्मेट हो गया, तो यहाँ पे इसे दोस्तों यहाँ पे मैंने सिस्टम की ड्राइव डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, तो मेरे पास नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी इंस्टॉलेशन यहाँ से शुरू हो जाएगी, कॉपिंग विंडो फाइल्स हो गया। उसके बाद गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप लोगों का थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जैसे आप अपने दोस्तों का भी इंतज़ार करते हैं, तो इसका भी इंतज़ार कर लें, क्योंकि फ्यूचर में ये आप लोगों के काम होने आने वाली है। दोस्तों से भी आप हेल्प लेते हैं, तो यहाँ इससे भी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे इसकी लोडिंग हो रही है, 1% होगी है, इस तरह ये 100% होगी। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसे इसका वेट करना है। बाइक दोस्तों यहाँ पे 100% होने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलिंग अपडेट्स होगा, उसके बाद फिनिशिंग अप होगा। आप लोगों ने यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करना है, कोई कीज़ प्रेस नहीं करनी है। इंस्टॉलिंग अपडेट भी हो चुका है, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। नीचे जो लाइन शो हो रही है ग्रीन कलर की, ये कंप्लीट होगी। विंडो नीड्स टू रिस्टार्ट टू कंटिन्यू, यहाँ पे विंडो यहाँ पे रिस्टार्ट होगा आप लोगों का पीसी। आप लोगों ने यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करना है, रिस्टार्ट होने देना है, कुछ भी नहीं करना, कोई की प्रेस नहीं करनी है।
यहाँ पे अभी कुछ भी प्रेस नहीं करना है, जस्ट वेट करना है। ये विंडो 10 का आइकॉन शो हो रहा है आप लोगों के सामने। ये इसकी लोडिंग हो रही है, ये उतनी लोडिंग नहीं होगी जितनी पहली थी, इसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा। यहाँ पे गेटिंग डिवाइस रेडी हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा और वेट कर लें। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कितना वेट करवाता हूँ, अच्छा ही है, ये भी 100% तक जाएगी, 33 हो गई है, ये जल्दी फास्ट में हो जाएगी, कोई बात नहीं। बस इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो रही हैं, इसकी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो रही है। आप लोगों ने घबराना नहीं है, थोड़ा बस वेट करना है। तो यहाँ पे गेटिंग रेडी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं यहाँ पे। ये फिर से रीस्टार्ट हो गया, आप लोगों ने वैसे ही वेट करना है, कुछ भी क्लिक नहीं करना है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना है, जस्ट वेट करना है इसकी लोडिंग होनी तक। दोस्तों ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, ये CMD की लोडिंग हो रही है। इसकी लोडिंग 100 तक जाएगी, 84 हो चुकी है, तो थोड़ा सा और वेट कर लें। तो जी दोस्तों ये थोड़ी सी फास्ट हो गई है, अच्छा ही है आप लोगों के लिए, काफ़ी देर से आप भी वेट कर रहे होंगे मेरी तरह, लेकिन ये वेट करना अच्छा है आप लोगों के लिए, फ़ायदे है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। यहाँ पे अगर कोई भी क्लिक करेंगे तो ये स्किप हो जाएगा फंक्शन, तो फिर दोबारा से इसे इंस्टॉल करने होंगे, तो वहाँ पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे इसकी लोडिंग स्टार्ट हो गई है, वो सेटअप सिक्योरिटी की लोडिंग थी जो अब कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग होने के बाद आपकी विंडो कंप्लीट हो जाएगी।
लेट्स गेट कनेक्टेड। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, कनेक्ट नहीं करना, यहाँ पे आप लोगों ने इसे स्किप कर देना है। यहाँ पे इसकी सेटिंग है, तो यहाँ पे भी गोइंग गेट गोइंग फास्ट कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों ने कस्टमाइज सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। कस्टमाइज सेटिंग के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। कस्टमाइज सेटिंग फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर अगेन नेक्स्ट कर देना है। जस्ट अ मोमेंट, सिर्फ थोड़ी सी देर बाद इंशाल्लाह आप लोगों की विंडो स्टार्ट हो जाएगी। जो आप लोगों के सामने इंटरनेट की सेटिंग थी या जो भी सेटिंग थी वो आप लोगों ने बाद में करनी है। हमारा मेन प्रोसेसर वो है विंडो इंस्टॉलेशन का। जब विंडो इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आप जो मर्ज़ी इसमें सेटिंग करते रहें। तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी, थोड़ा वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आया है क्रिएट एन अकाउंट फॉर दिस पीसी। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम देता हूँ खुरम, खुरम KHURRAM खुरम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना पासवर्ड वगैरह भी दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे पासवर्ड नहीं दे रहा, तो नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद ये कुछ मैसेज दे रहा है हाय का, वी आर हैप्पी यू आर हेयर, यस वी आल्सो हैप्पी फॉर विंडो 10। थोड़ा वेट करेंगे तो फिर ये अगेन मैसेज शो करेगा। ये विंडो 10 का फीचर है, यहाँ पे मैसेज वगैरह शो हो रहे हैं, विंडो 7 में ये शो नहीं होते। लॉट्स ऑफ ग्रेट फीचर्स टू गेट एक्साइटेड अबाउट, एक्साइटेड अबाउट। लॉट्स ऑफ ग्रेट फीचर टू गेट एक्साइटेड अबाउट, गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, यस ओके, गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। ये उसका मैसेज शो हो चुका है आप लोगों के सामने। ये इसके न्यू फीचर्स ऐड होते जाएंगे। विंडो 7 में ये कुछ भी मैसेज आपको शो नहीं करेगा, विंडो 10 में करेगा। विंडो 10 इज़ अ ग्रेट फॉर योर बेस्ट फीचर्स ऐड एंड इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर। नीचे मैसेज शो हो रहा है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। आप लोगों ने अपना पीसी को ऑफ नहीं करना है, स्विच ऑफ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को पहले बताया ड्यूरिंग टू लोडिंग एंड इंस्टॉलेशन विंडो डोंट टच योर पीसी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो जी गाइस, आप लोगों के सामने विंडो 10 इंस्टॉल कंप्लीट हो चुकी है, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी मेहनत की है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख के इसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये विंडो 10 कम्प्लीट हो चुकी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।